कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा। प्रस्तुत है 12 पाठों की इस पुस्तक का 5वां पाठ, चित्रकूट में भरत। पृष्ठ 26। भरत के कई राज्य में थे। अपनी ननिहाल में अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था, पर उसका अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने में मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींच कर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था, जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। केकई राज ने भरत को विदा किया। सौ रथों और सेना के साथ उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा। लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे। नदी पर्वत लांघते थके हुए और चिंतित भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। यह
अयोध्या मेरी नहीं है। क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ हैं? वह तुमुलनाथ कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं, इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए। महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। महाराज वहां नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थीं। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं, वहां जहां एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए। पछाड़ खाकर गिर पड़े। विलाप करने लगे। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढांढस बंधाया, कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है। राजगुणों के विरुद्ध है। अपने को संभालो। क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे। सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने मां से पूछा। नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे। विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है। चौदह वर्ष के लिए सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं, कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। वह जानती थी कि भरत यहां से सीधे राम के पास ही जाएंगे। परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? राम ने कोई अपराध नहीं किया।
महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराजा दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। कैकई ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, ये तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध। अपराधी हो तुम, वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज्य अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहां से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊँगा, उन्हें मना कर लाऊँगा, प्रार्थना करूँगा कि वे गद्दी संभालें। मैं दास बनकर रहूंगा। पृष्ठ 28। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे। स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी। वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। शुद्ध बुद्ध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थीं। उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकई ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था।
तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी रानी कैकई के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूं। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया। उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकई के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए। खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे। भरत ने बीच बचाव किया। मुनि वशिष्ठ, अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई। भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी।